रवि किशन और निरहुआ द्वारा उठाए गए सनीय कदम को बताने से पहले हम आपको एक खबर और सुना देना चाहेंगे। जी हाँ, बताएंगे आपको कि कैबिनेट ने सभी सांसदों के एक साल के वेतन में से 30% की कटौती और 2 वर्ष के सांसद निधि की धनराशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस की इस चुनौती के लिए खर्च किए जाने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, वहीं आप सभी ये जरूर जानते होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दमदार अभिनेता माने जाने वाले रवि किशन, जो कि गोरखपुर से बीजेपी सांसद हैं, अब आपको ये बता दें कि रवि किशन ने एक केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा खुशी जताई है। और ना केवल एक साल या 2 साल, बल्कि रवि किशन ने ये भी कह दिया है कि 5 साल का वेतन देने का मन रवि किशन बना चुके हैं। रवि किशन ने सांसद निधि से 1.5 करोड़ और 1 महीने का वेतन पहले ही प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया था और अब 5 साल के वेतन देने की बात भी रवि किशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं निरहुआ द्वारा उठाए गए सराहनीय कदम। जहां एक तरफ रवि किशन ने ये बड़ा कदम उठाया है, तो वहीं निरहुआ भी पीछे नहीं हटे हैं। जी हां, आपको बता दे, निरहुआ ने जरूरतमंद लोगों की मदद की है। तकरीबन 250 से भी अधिक जरूरतमंद लोगों के घर उन्होंने राशन बंटवाया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कोष में भी धन जमा करवाया है। और ना केवल वो खुद ऐसा कर रहे हैं, बल्कि अपने दोस्तों से को भी ये राय दे रहे हैं कि जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। अभी आपसे जितना हो पड़े, आप उतनी मदद गरीबों की और जरूरतमंद लोगों की जरूर करें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से आर्थिक रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।